गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक आपको बताने चल रहा हूँ वो है हमारा इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, जिसे हम हिंदी में प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। तो जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, अब इस ट्रेजेडी में जो आजकल चल रही है कोविड की, इसमें इम्यून और इम्यूनिटी, इससे सभी लोग परिचित हो चुके हैं, सभी लोग फैमिलियर हो चुके हैं और ये वर्ड भी बहुत फेमस हो चुका है। इम्यूनिटी है क्या चीज़ है? यह प्रतिरोधक क्षमता जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, हमारे अंदर की वो कैपेसिटी है जिससे हम रोगों से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ये इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी हमारे बॉडी में, इम्यूनिटी का मेन पार्ट कौन है जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाता है? वो है हमारी WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इसके साथ साथ थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब भी हमारी बॉडी के स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में आते हैं, इम्यून ऑर्गन्स हैं। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी थ्रू विच वी फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ्स। हम रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसी को, लोगों से जो लड़ने की क्षमता हमारी, उसी को हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी। अब आप देखेंगे यहाँ पर आज जो हमारी स्टडी होगी वो होगी डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी और उसमें हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से एक्टिवेट होता है, कैसे वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट करता है, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम बात करेंगे इम्यून कितने टाइप के होते हैं, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है, ठीक है, और दूसरी इम्यूनिटी जो हम जब नेचर में एक्सपोज होते हैं, अर्थ पर आते हैं, तो हमारी बॉडी में फॉर्म होती है। कौन कौन सी? एक इम्यूनिटी जो हमें यहाँ आने के बाद, नेचर में आके आफ्टर बर्थ हमें हमारी बॉडी में फॉर्म होती है, इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो बॉडी हमें बाय बर्थ मिलती है उसे कहते हैं हम लोग इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप होगी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी और जो सेकंड है हमारी वो इननेट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। एक्वायर्ड स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, और ये वाली होती है नॉन स्पेसिफिक। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जो हमारे बाय बर्थ नहीं है बल्कि हमारे एनवायरनमेंट में एक्सपोज होने के बाद आती है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी हमारी, ये भी दो तरह की होती है, एक को कहते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब हुआ हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी अगर कोई चीज़ फॉर्म करती है, अगर हमारी बॉडी इम्यूनिटी क्रिएट करती है किसी पैथोजन के, किसी एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेट होती है, तो हम उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी हमको दो तरह से मिल सकती है, एक नेचुरल एक्सपोजर, जैसे अगर डिजीज हुई हमको तो हमारे अंदर उसकी अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट होती है, उसके अगेंस्ट हमारे अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं, तो जो एंटीबॉडी फॉर्म हो रहे हैं उसी को कहते हैं हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी। क्यों? हमारे बॉडी उसे, हमारी बॉडी बना रही है, ठीक है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हुई है। दूसरी चीज आती है कि जो हम कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, ये क्या, इसमें हम हमारी बॉडी फॉर्म नहीं करती बल्कि हम बाहर से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज या जो एंटीसीरम से इन सबको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पैसिव इम्यूनिटी, ये कौन सी भी आर्टिफिशियल एक्टिविटी। इसके आर्टिफिशियल एक्टिविटी का जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो क्या है? वैक्सीनेशन क्या करते हैं हम लोग पैथोजेंस को आइदर बाय किल्ड और बाय वीक करने के बाद, अनकॉन्शियस करके, बेहोश करने के बाद, इनको वीक करने के बाद हम उन पैथोजेंस को, उन वायरस को या बैक्टीरियाज को अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, इसको वैक्सीन कहते हैं। और उसके अगेंस्ट फिर हमारी बॉडी
क्या बनाती है, एंटीबॉडीज फॉर्म करती है। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हुई, लेकिन किस कैसी, आर्टिफिशियल, क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीन बनाई है, ठीक है। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी है, वैक्सीनेशन इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन, वैक्सीन, ये आर्ट, ठीक है। और नेचुरल क्या होगा, अगर आपको फीवर हुआ, सपोज दैट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड हुआ, तो जैसे कॉमन कोल्ड हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एग्जाम्पल है हमारे नेचुरल इम्यूनिटी के, कॉमन कोल्ड के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं अपने आप ही। यहाँ पर वो पैथोजेंस हमारी बॉडी में इंटर नहीं हुए, हमने पैथोजेंस को इंटर किया, उनको वीक करके, उनको किल करके, उनके टॉक्साइड्स को, ठीक है, अगर हम उनको इंजेक्ट करते हैं तो वो वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन भी आपको मैं बताऊंगा, जो फोर टाइप्स के वैक्सीनेशन होते हैं, ठीक है। मेनली तो दो जो है, साल का एंड सेविन होते हैं। सेविन का मतलब हो गया कि अगर हम लिविंग अलाइव, इनको हम लाभ भी कहते हैं, अलाइव पैथोजेंस को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो ये हमारा सेविन टाइप है। और दूसरा जो है वो हमारा साल का है, मतलब उसमें क्या होता है, हम डेड यानी किल्ड पैथोजेंस को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो वो हमारा कैसा होता है, साल टाइप ऑफ, वो साल वैक्सीन कहते हैं उसको, ठीक है। ये एक्टिव होगी हमारे दो टाइप के। इसके बाद पैसिव, पैसिव में क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज हमारी हमारी बॉडी में बनते नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस या उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हैं उनको बाहर बनाकर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी हमारी बॉडी की यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है, हमारा इम्यून सिस्टम के यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, हम इसको आर्टिफिशियल बाहर से इंजेक्ट करते हैं, ये होगी पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई हमारी, पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल सीरम, आर्टिफिशियल सीरम इंजेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसमें उसका कोई मतलब कोई योगदान नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये इतने टाइप की हमारी क्या हुई, इम्यूनिटी है, ठीक है। चलो हाँ, पैसिव में एक टाइप और है जिसको हम कह सकते हैं, जो पैसिव में एक आर्टिफिशियल हुई तो दूसरी नेचुरल भी होती है, जैसे हमने इसमें देखा भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल भी कहा, नेचुरल नहीं कहा। तो नेचुरल कैसी होती है, वो कौन सी पैसिव है,